देहरादून से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर उत्तराखंड में बिजली एक बार फिर हो सकती है महंगी। तीनों निगमों ने उत्तराखंड नियामक आयोग को 30% दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। जन सुनवाई के बाद जारी हो सकता है बिजली का नया टैरिफ। मार्च महीने के अंत तक टैरिफ प्लान जारी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से बताया जा रहा है कि बिजली महंगी हो सकती है और तीनों निगमों ने उत्तराखंड नियामक आयोग को 30% दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है। बताया जा रहा है कि जन सुनवाई के बाद बिजली का नया टैरिफ जो है वो जारी हो सकता है और मार्च महीने के अंत तक टैरिफ प्लान जारी हो सकता है। तो यानी कि बिजली महंगी होने से इसका असर आम जनता की जेब पर भी पड़ेगा। बताया जा रहा है कि 30% तक दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया है। और हमारे सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़ गया। सत्येंद्र जरा बताइएगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से बिजली पर फिर से महंगी हो सकती है इसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया गया है, लेकिन 30% दाम बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा गया, ये तो कहा जा सकता कि बिजली बहुत महंगी हो जाएगी फिर तो। बिल्कुल चांदनी, क्योंकि जो नियामक आयोग है उसको उत्तराखंड जो पावर कॉर्पोरेशन हो गया, जल विद्युत निगम हो गया या पिटकुल हो गया, ये तीनों निगमों ने एक प्रस्ताव भेजा है जो 2024 और 25 के लिए प्रस्ताव बताया जा रहा है। और इसमें जो नियामक आयोग को ये जो प्रस्ताव भेजा है वो करीब 30% बिजली में जो हाइप मांगी है। मैं आपको एक भी बता दूं, क्योंकि जो अभी नियामक आयोग इस पूरे मामले को देख रहा है, जन सुनवाइयां अभी की जाएंगी, प्रदेश के 4 बड़े जो महानगर हैं उनमें जन सुनवाइयां होंगी और जन सुनवाइयों के बाद मार्च अंत तक ये टैरिफ प्लान लागू होगा। यानी कि अब इस टैरिफ प्लान में कितना हाइप मिलेगी, क्योंकि करीब 30% अगर बिजली की हम बात करें, क्योंकि अगर हम इस 2023 की बात करें तो लगभग 4 से 5 बार इस साल बिजली के दाम बढ़े हैं, और एक बार फिर 2024 और 25 के लिए अगर बिजली के दाम बढ़ते तो ये कह सकते हैं कि आम जनता की जो जेबें हैं उन पे एक बड़ा करंट बताया जा सकता है। जी और नैनीताल से खबर मिल रही है, जहां पर जंगलिया गांव में वन विभाग की टीम ने एक बाघ को पकड़ा है और देर रात करीब 1 बजे वन विभाग की टीम ने बाघ को ट्रैंकुलाइज किया, जिसके बाद बाघ को रानीबाग रेस्क्यू सेंटर भेजा गया, जहां बाघ का सैंपल लिया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि बाघ आदमखोर है या नहीं। आपको बताते चले, आदमखोर बाघ अब तक 3 महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है। तो रानीबाग रेस्क्यू सेंटर ये बाघ भेजा गया है और बताया जा रहा है कि हमले में 3 महिलाओं की मौत हुई थी। हालांकि बाघ का सैंपल भी लिया गया है और उसे जांच के लिए भेज दिया गया है। रात करीब 1 बजे के आसपास ट्रैंकुलाइज किया गया, रानीबाग सेंटर भेजा गया है इस बाघ को। तो सैंपल से आदमखोर होने का पता चलेगा कि बाघ आदमखोर है या फिर नहीं। जंगलिया गांव में ये बाघ पकड़ा गया था, लगातार बाघ की खबरें सामने आ रही थी किस तरीके से लोगों में दहशत है, लेकिन अब फिलहाल टीम को सफलता मिली है। जो बाघ जंगलिया गांव के तोप नौली में वन विभाग द्वारा ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया है, जिसे रेस्क्यू सेंटर भेजा है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ग्राम सभा चुनौती में कुछ माह पहले हम लोगों ने खुद अपनी आंखों से 3 बाघों को इस क्षेत्र में देखा था। अभी एक बाघ पकड़ा गया है और 2 बाघ बचे हुए हैं, अभी खतरा टला नहीं है। पूरे क्षेत्र में जबरदस्त आतंक मचाया हुआ था और पूरे 20,000 की जनसंख्या बहुत ज़्यादा परेशान थी। कल रात वन विभाग के द्वारा 12 से 1 बजे के बीच उसको ट्रैंकुलाइज किया गया और लगातार वन विभाग की टीम ने और हम सब ने, पूरे ग्रामीणों ने इसमें सहयोग किया। रात को हम करीब 1:30-2 बजे के आसपास इसको ऊपर मुख्य मार्ग पर लाए और वहाँ से रेस्क्यू सेंटर। तो इससे यह लगता है कि बाघ से निजात मिलेगी, परंतु फिर भी सभी ग्रामवासियों को, सभी क्षेत्रवासियों को सतर्क रहने की फिर अभी भी जरूरत है। और सहयोगी वीरेंद्र विष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया है। वीरेंद्र सर, बताइएगा कि बाघ का सैंपल लिया गया है, लेकिन अभी ये जांच की जा रही है कि आदमखोर बाघ है या फिर नहीं। और जरा आप ये भी बताइएगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बाघ की खबरें सामने आ रही थी, उसको लेकर भी क्या जानकारी मिल पा रही है?
देखिए चांदनी, जिस तरह से देखा जाए तो उस पूरे इलाके में बाघ का आतंक था। 3 बाघ चनौती गांव के आसपास देखे गए थे और इसके अलावा लगातार उस इलाके में हमले हुए थे, क्योंकि जो बड़ौन रेंज है या भवाली रेंज है, दोनों रेंजों में आसपास 3 महिलाओं की अब तक बाघ के हमले से या गुलदार के हमले से मौत हो चुकी है। और लगातार प्रेशर इस बात का वन विभाग के ऊपर था कि जिस तरह से हाईकोर्ट भी लगातार इस बात को कह रहा था कि आप उसको सूट के ऑर्डर नहीं दे सकते, आप उसको रेस्क्यू करें या फिर ट्रंकुलाइज करें, तो उसके बाद कल रात देर रात एक बाघ को वन विभाग ने जो जंगलिया गांव है वहां पर ट्रंकुलाइज किया है। इससे पहले जो धारी ब्लॉक है वहां पर एक गुलदार को भी पकड़ा है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये यही बाघ आदमखोर था या नहीं था। इलाके में डर अभी भी बना हुआ है। लगातार जो लोग हैं वो इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो वन विभाग की टीमें हैं जो पिंजरे हैं वो उस इलाके में लगाए रहे, क्योंकि अभी फिलहाल जो बाघ रात में पकड़ा था उसको हल्द्वानी रेस्क्यू सेंटर ले जाया गया है, सैंपल लिए गए हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की मौत इन बाघों के हमले से हुई है उनका सैंपल और इनका सैंपल का मिलान करने की बात वन विभाग कह रहा है, उसके बाद ही सारी चीजें कंफर्म हो पाएंगी। हालांकि वन विभाग के अधिकारी रात से ही जो रेस्क्यू सेंटर है वहां पर जमे हुए हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में टॉन्स वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल 9वें दिन भी थू थू कर जल रहे हैं और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है, लेकिन वन विभाग आग पर काबू नहीं पाया है। तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं यमुना घाटी की, जहां पर रात भर जंगल थू थू कर जलते रहे। पूरे जिले में आग के कारण धुआं छाया हुआ है और जंगलों में आग लगने से लाखों की वन संपदा जो है वो जलकर खाक हो गई है। और हमारे सहयोगी बलवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गया। बलवीर, जरा बताइएगा, अभी तक जंगलों में जो आग लगे हैं उस पर काबू नहीं पाया गया है, क्या वजह बताई जा रही है? आखिर क्यों जंगलों में जिस तरीके से आग लग रही है उससे लाखों की वन संपदा जो हो रही है उसे नुकसान भी हो रहा है? बिल्कुल, 9 दिन का समय हो गया है। जो यमुना घाटी में जो टॉन्स वन प्रभाग है या फिर अपर यमुना वन प्रभाग है, दोनों ही वन प्रभागों में आग लगी हुई है और लगातार 9 दिन बाद भी जो वन विभाग है आग पे काबू नहीं पाया जा सका है, जिसके चलते जो वन संपदा है लगातार खाक हो रही है जल के। और इसके अलावा जो वन्य जीव है उन पर संकट गहरा हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि सर्दियों में जंगल जल रहे हैं और जिस तरह से जल रहे हैं वो सवाल वन विभाग की तैयारी पे खड़ा कर रहा है, क्योंकि आग 9 दिन लंबा समय होता है और वन विभाग लगातार कह रहा है कि हम आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर 9 दिन बाद भी आग पे कंट्रोल ना कर पाना, जो सिस्टम है वन विभाग का खासकर यमुना घाटी में वो पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है और जिसके चलते जो वन संपदा उसको नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि जो उत्तरकाशी जिला मुख्यालय हो गया, उत्तरकाशी जो वन प्रभाग हो गया, वहां पे आग को कंट्रोल कर दिया गया है, पर जो दूसरी घाटी है यमुना घाटी वहां पे लगातार आग की घटनाएं सामने आ रही है और जो धुंध है वो पूरी तरह से छाई हुई है और काफी समस्याओं का सामना जो स्थानीय लोग हैं उन्हें करना पड़ रहा है। पर 9 दिन बीत जाने के बाद भी अगर आग पे कंट्रोल नहीं पाया जा सका है तो कहीं ना कहीं वन विभाग की नाकामी ही कहा जाएगा, क्योंकि वीर और एक बहुत बड़ी लापरवाही जो है साफ तौर पर कही जा सकती है, क्योंकि 9 दिनों से जंगल धू धू कर जल रहे हैं लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तरकाशी में सिलग्यारा टनल घटना को 44 दिन पूरे हो गए हैं। घटना के 44 दिन बाद भी टनल साइट पर कार्य शुरू नहीं होने से सन्नाटा पसरा हुआ है। कार्य कब शुरू होगा इसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। केंद्र सरकार से आई एक उच्च स्तरीय जांच टीम टनल साइट की जांच भी कर चुकी है। इसके अलावा दूसरे छोर बड़कोट की ओर से भी टनल का निर्माण कार्य जो है अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आपको बताते चले कि 12 नवम्बर में लैंडस्लाइड होने के कारण टनल के अंदर 41 मजदूर 17 दिनों से फंसे रहे और बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद 28 नवंबर को 41 मजदूरों को सकुशल बाहर निकाला गया। उसके बाद टनल के दोनों छोर सिलक्यारा और बड़कोट की तरफ से टनल को सीज किया गया। टनल के निर्माण कार्य को बंद कर दिया गया था। सिलक्यारा टनल ऑल वेदर के तहत उत्तराखंड की सबसे लंबी यानी कि 4.50 किलोमीटर सुरंग बननी है, जिसमें की 480 मीटर टनल का निर्माण कार्य जो है वो बचा हुआ है। काम अभी तक चालू नहीं हुआ है, चालू होने की हमारे सीनियर अधिकारी जब बोलेंगे तब हम चालू कर सकते हैं। फिलहाल कोई आदेश नहीं मिला है। क्या काम चल रहा है? केवल डिवाइडिंग का काम चल रहा है। दीपावली के दिन जो सिलक्यारा टनल में टूट हुई थी और उसके बाद से कार्य पूरी तरह से बंद है। 44 दिन आज बीत चुके हैं, हम आपको दिखा सकते हैं किस तरह के हालात है। पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और ये बड़ा सवाल है कि कब काम शुरू होगा। यहाँ पे बैरिकेड लगाए गए हैं,
अंदर जो जवान है पीआईडी के जवानों को जिम्मा सौंपा गया है। और आप देख सकते हो तस्वीरें कि किस तरह से जब रेस्क्यू कार्य 17 दिन चला उसके बाद से पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। और ये वो टनल है जो उत्तराखंड की ऑल वेदर के तहत सबसे जो बड़ी टनल है, 4.5 किलोमीटर इसने बनना है, तो लगभग 480 मीटर का ही फासला रह गया है। पर जब टूट हुई तो उसके बाद से लगातार कार्य बंद है। जो एक जांच टीम भी केंद्रीय जांच टीम यहां से जांच करके चली गई है। देहरादून से खबर मिल रही है जहां पर मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की मीटिंग होने जा रही है। शहीद स्मारक में होने वाली मीटिंग में आंदोलन को लेकर आंदोलनकारी आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। आपको बताते चले रविवार को भू कानून मूल निवास मांग को लेकर एक बड़ी रैली जो है वो भी हो चुकी है। उत्तराखंड के मूल निवास और भू कानून को लेकर राजधानी के परेड ग्राउंड में स्वाभिमान रैली हुई है, जिसके बाद अब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं। सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून की मांग को लेकर रविवार को परेड ग्राउंड में जो सैलाब उमड़ा, उसे देखकर कहा जा सकता है कि वो खुद से पहुंची भीड़ थी। इसमें कांग्रेस भी शामिल हुई तो यूकेडी और आम आदमी पार्टी भी और वामपंथी पार्टियां भी। आधिकारिक रूप से कोई शामिल नहीं था तो वो थी बीजेपी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि सरकार इस दिशा में काम कर रही है, लेकिन सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए और बीजेपी विरोध करने के लिए यूकेडी और अन्य दलों के साथ मिलकर कांग्रेस का किया धरा था। केवल बीजेपी के विरोध के लिए इकट्ठा होना तो कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा प्रदर्शित करता है और जनता भी जानती है। कल हमारा युवा मोर्चे का मोदी है ना कार्यक्रम में जो जनमानस जो युवा उम्र का है उसको भी कम से कम आंदोलनकर्ताओं को ध्यान में रखना चाहिए। विश्वास आज के यूथ का विश्वास भी पुष्कर सिंह धामी जी के साथ खड़ा है। कांग्रेस का कहना है कि मूल निवास भू कानून की मांग को लेकर किया गया आंदोलन पार्टी लाइन से कई ऊपर है, लेकिन इसको वही समझ सकता है जिसको पहाड़ की पीड़ा हो। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि बीजेपी के विधायक ने बीजेपी के ही मंच से कह दिया था कि उनका मन आंदोलनकारियों के साथ है। भट्ट को इस पर भी जवाब देना चाहिए। ये किसी पार्टी स्तर से ऊपर की बातें हैं और इसको वही समझ सकता है जिसको पर्वतीय क्षेत्रों से इस राज्य से सिंपैथी है या इसके संग जुड़ा हुआ है। उन्हीं के एक विधायक ने कल उन्हीं की मीटिंग में इस बात को कहा कि मैं शरीर से यहाँ हूँ, मन मेरा उस आंदोलन में है, इस बात का जवाब देना चाहिए उनको। मूल निवास प्रमाण पत्र और ठोस भू कानून की मांग को लेकर आयोजित महारैली में उमड़े जनसमूह ने बीजेपी हो या कांग्रेस सभी राजनीतिक दलों के कान खड़े कर दिए हैं, लिहाजा इस बार अब सियासत भी तेज हो गई है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर रहेंगे, जहां पर सीएम धामी के लोगों को विकास योजनाओं की सौगात देंगे और कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही सीएम टीला साहिब गुरुद्वारे का दर्शन करने के बाद रोड शो भी करेंगे। और आपको बताते चले कि पीआईसी मैदान में कोथक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी के दौरे पर रहेंगे और टीला साहिब गुरुद्वारे भी जाएंगे, मत्था टेकेंगे। सरकार सरकारी जमीनों पर बनी हुई मजारों को तोड़ने के लिए ऑपरेशन पार्ट 2 चलाने जा रही है, लेकिन इस बार का ऑपरेशन सरकार के लिए आसान नहीं, क्योंकि मुस्लिम संगठन सरकार को कड़ी कानूनी चुनौती देने जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मजारों को अवैध बताकर चल रहे धामी सरकार के इस बुलडोजर से मुस्लिम समुदाय नाराज है और ये नाराजगी अब खुलकर दिखने भी लगी है। और तो और सरकार के मजारे गिराने के फरमान से गुस्साए मुस्लिम लोगों ने अब वक्फ संघर्ष एंड सुरक्षा समिति बनाने का ऐलान कर दिया है, जिससे सरकार के गलत फैसलों का पुरजोर विरोध किया जा सके।
इसीलिए हमने भी एक अपनी जो तंजीम बनाई वक्फ सुरक्षा एवं विकास संघर्ष समिति, उसके गठन का उद्देश्य ये है कि हम जो भी मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं मस्जिदों के, मजारों के, मदरसों के, वो हम सब एक हों, अपनी गौरव फिक्र करें, उनके खिलाफ जो साजिशें चल रही हैं उनसे एक होकर फाइट करें और अपनी बात को सही प्लेटफॉर्म पर रखें। तो उसी के लिए कोशिश की गई है और इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है सब एकजुट होंगे। हमें अपने रब की ज़ात से उम्मीद है, अपने मुसलमान भाइयों से उम्मीद है, सब एक होंगे और उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे कि हमारी मस्जिद, हमारे मदारिस, हमारे मज़ारों को टारगेट किया जा रहा है। यही नहीं, सरकार के मज़ार तोड़ने के फैसले को अब ये संघर्ष समिति सुप्रीम कोर्ट के सामने ले जा रही है। उनकी एक ही मांग है कि तोड़ी गई मज़ार की जगह सरकार नई मज़ारें बनाकर दे। तो जितने भी मज़ार तोड़े गए हैं वो सब गैर कानूनी तोड़े गए हैं, संविधान को ताक पर रख के तोड़े गए हैं और ये सुविधा जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया उसके खिलाफ तोड़े गए हैं, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं उसमें। नहीं, हमारी पिटीशन में ये हमने लिखा है कि जिनको अवैध तरीके से तोड़ा गया है, विदाउट प्रोसीडिंग तोड़ा गया है, उनको इनको रिबिल्ड करा जाए, उनको रेस्टोर कराया जाए, उनको दोबारा पड़ा बनाया जाए। दरअसल वन भूमि एवं अन्य सार्वजनिक जगहों पर बनी अवैध मज़ारें सरकार ने गिराई, लेकिन सरकार का ये फैसला मुस्लिम समुदाय के गले नहीं उतरा। आखिरकार 3000 मज़ारों पर बुलडोजर चलने के बाद अब ये भी संघर्ष के मूड में है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट।